तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई Realme रेडी है अपने 12 Pro सीरीज को लॉन्च करने के लिए। प्रो सीरीज बता रहा हूँ, यानी कि दो ही स्मार्टफोन है, Realme 12 Pro और Realme 12 Pro Plus। लेकिन आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ Realme 12 Pro Plus के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस सामने आई है जो मैं बात करने वाला हूँ। और खुद भाई Realme इंडिया ने भी टीज करना शुरू कर दिया है कि जल्द ही इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन सवाल है कि कब लॉन्च होगा। लेकिन देखिए, बताया जा रहा है पहले तो चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन जनवरी के मंथ में के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, या फिर फरवरी के मिड फरवरी तक देखने को मिल जाएगा इंडिया में। वैसे लॉन्चिंग डेट कंफर्म होता है, मैं आपको एक्स पे अपडेट करूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन बताने वाला हूं क्या खास होगा, क्या चेंजेस हुए हैं और क्या प्राइस पॉइंट होगी जो इंडिया में लॉन्च होगी। बने रहिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि Realme 12 Pro Plus में क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि कुछ तो उम्मीद था जो चेंज हुए हैं, और क्या प्राइस होगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। नो डाउट ग्लास बिल्ड ही आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रंट में बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है 183 ग्राम, थिकनेस 8.2 mm, साथ ही IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक है। हाँ, यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल फ्रेम दिया जा सकता था, लेकिन बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की, कुछ कॉपी है दूसरे स्मार्टफोन का भी। चलिए देख लेते हैं, बात करते हैं डिज़ाइन की। तो जैसा कि आप डिज़ाइन देखें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैक साइड में सेंटर पे आपको सर्कुलर शेप में ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ नीचे Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बॉडी रेशियो बताया जा रही 93% के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि वेजस तो होगी नहीं, हल्की से एकदम होगी, चीन भी पतली से होने वाली है। लेकिन सवाल है कलर्स कितने होंगे। तो फिलहाल तीन कलर्स बताया जा रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। तीनों कलर्स शानदार है, कोई खराब नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होगी। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो भाई साहब, डिस्प्ले लिटरली यहाँ भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है, कंटेंट कंज्यूम करने मजा आने वाला। कर्व डिस्प्ले तो नेक्स्ट लेवल होगा, यहाँ को मिलेगा 6.7 इंच की 1.5K 10-bit का BOE OLED पैनल, 2718x1264 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 451 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 1800 nits की पीक ब्राइटनेस, 120Hz की रिफ्रेश रेट, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+ वाइड वाइन L1। भाई साहब, मतलब डिस्प्ले जो है ना वो शानदार आपको है। 10-bit का कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ पर, नो डाउट ब्राइटनेस भी अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते, गेमिंग करते, स्मूथनेस भी नजर आने वाली है। और कंटेंट का जूम करते हैं तो ये नेटफ्लिक्स को छोड़ के यूट्यूब और Amazon प्राइम पे दोनों में ही आप HDR कंटेंट लगा करके देख सकते हैं। तो जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रही है, डिस्प्ले शानदार है, कोई खराब नहीं है। लेकिन सवाल है कि परफॉर्मेंस देने के लिए कौन सा प्रोसेसर यूज किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो यही तो चेंजेस हुआ है, क्योंकि इस फोन को शक्ति देगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर। जी हाँ, पहले जो अपडेट आया था वहां पर 7 Gen 3 बताया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलने वाली, खराब नहीं है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, हीटिंग को काफी कम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थर्मल मैनेजमेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हीट वीट होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए देखते हैं कितना पावरफुल है, यानी कि बात करते हैं रॉ सीपीयू तरफ। यहाँ मिलेगा 4 कोर्टेक्स A78 जो कि 2.40 GHz क्लॉक किया गया, वहीं 4 कोर्टेक्स A55 जो कि 1.95 GHz क्लॉक किया गया है। नॉट बैड यार, परफॉर्मेंस अच्छा आपको मिलने वाला, कोई खराब नहीं है। गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं, 60 FPS से गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिलता है Adreno 710 GPU, साथ ही LPDDR5 RAM UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 5G बैंड में आपको अच्छी खासी मिलेगी, रियल की आपको अच्छी मिलेगी। हाँ, ऑनडोर की बात करें तो 6,28,000 के आसपास देखने को मिला था, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट गेमिंग के लिए 6 लाख होनी चाहिए, उससे ऊपर ही है, तो गेमिंग आप शानदार कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग कैमरा के लिए कैमरा के लिए स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैमरा की। भाई साहब, कैमरा भी यहाँ पर शानदार दिया गया। जी हाँ, ट्रिपल कैमरा, पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX890 सेंसर, वहीं 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, ओमनीविजन OV64B सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ, वहीं 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। तो पहले 2 MP का अपडेट आया था, अब 8 MP का, तो कैमरा भी क्वालिटी अच्छी होने वाली, जैसे 4K 30 FPS 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं।
को उन भाइयों के लिए शानदार है जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, उनके लिए जबरदस्त है, कोई खराब नहीं है, क्वालिटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं आपके खूबसूरत चेहरे को रील शॉट आने के लिए। यहाँ मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, कोई खराब नहीं है, 1080 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, रील शॉट्स आप आराम से बना सकते हैं, कैमरा क्वालिटी अच्छी होने वाली, कोई खराब नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन को पावर बैकअप देने के लिए कितना एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं बैटरी की। तो भाई साहब, इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती, चार्जर बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, बैकअप शानदार निकालेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन सवाल अब बात करते हैं सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। तो यहां आपको मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का ऑप्शन, डेफिनेटली सेंसर से मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फ्लैश लाइट, चिटर पुटर, आईआर ब्लास्टर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टूडियो स्पीकर, 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ को मिलेगा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स साथ रियलमी UI 5.0 देखने को मिलेगा, लेकिन 2+3 का है, यानी कि 2 साल एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। ब्लॉडर होते हैं, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस आपको डिसेंट होने वाली है। अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स की। तो वेरियंट्स आपको 4 मिलेंगे, अच्छे खासे ऑप्शन है। पहला है 8+128, 8+256, 12+256, 16+512, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सवाल है कि प्राइस क्या होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके 150 टारगेट है पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल परिवार है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। खैर बात करते हैं इसके अब प्राइस की। देखिए प्राइस तो सामने ये भी नहीं आई है, लेकिन प्रिडिक्शन लगाई जा रही है और जो रूमर्स बताए जा रहे हैं कि समवेयर अराउंड 30,000 के अंदर देखने को ये मिल जाएगा इंडिया में। तो 30,000 के अंदर मिलेगा तो नॉट बैड यार, अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, किस प्राइस पॉइंट आप देखना से पसंद करना चाहेंगे और कितने एक्साइटेड है रियलमी 12 Pro Plus को लेकर, जल्दी बताएं कमेंट करके। कमेंट जरूर क्या कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप, और YouTube के जो एल्गोरिथम है ना उसको भी हेल्प हो जाती है, तो व्यूज़ में हेल्प हो जाते हैं और क्या। तो भाई को सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए, लेकिन रुक जाइएगा, कमेंट ऑफ द डे देख के जाइएगा ऐसे 4 कौन से भाग्यशाली लोग हैं जिनका नाम आया हुआ है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Ooh.